प्रणधार सुंदर साज, आज वह महत्वपूर्ण तिथि है जिसमें सारे संसार ने यह जाना कि ये विजय अभिनंद बुद्ध निष्कलंक स्वरूप के प्रकटन की तिथि है। वैसे तो इसको बहुत कम ही लोग देखा जाए तो धार्मिक दृष्टि से जानते हैं। इस दिन एक जिज्ञासा होती है कि बुद्ध और विजयाभिनंद बुद्ध क्या है। तारतंबाड़ी में यह बात दर्शाई गई है, विजयाभिनंद बुद्ध जी और नेह कलंक का अवतार वेदों का यह आखिर जमन ये सिद्धार्थ। विजयाभिनंद बुद्ध का अर्थ क्या होता है? ज्ञान का वह स्वरूप जिसका विजय हमेशा अभिनंदन करे। इस स्वरूप के बारे में कहा है कि धाम से लाई तारतम करी ब्रह्मांड में रुस रही। परब्रह्म की अलादनी शक्ति श्यामा जी के द्वारा तारतम ज्ञान का अवतरण हुआ और इसलिए इस स्वरूप को विजयाभिनंद बुद्ध स्वरूप कहा गया। इनके अंदर जागृत बुद्धि विराजमान थी, जिसको कतिब की भाषा में इसराफिल कहते हैं। वह जागृत बुद्धि जो अक्षर ब्रह्म की बुद्धि है और उस बुद्धि के द्वारा धर्म ग्रंथों के सारे रहस्य स्पष्ट होते हैं। अब प्रश्न यह है कि जब जागृत बुद्धि थी तो क्या इससे भी बड़ा कोई स्वरूप है जिसके साथ निष्कलंक शब्द जोड़ता है? क्या विजयाभिनंद को निष्कलंक स्वरूप नहीं कहा जा सकता? निष्कलंक उसको कहते हैं जिसमें किसी भी तरह की अपूर्णता न हो। सूर्य उदय होता है तो प्रातः काल उसका प्रकाश हल्का होता है, दोपहर को अपने पूर्ण रूप से चमक रहा होता है। सूर्य तो वही होता है, तो ऐसा नहीं कह सकते कि दोपहर के सूर्य में तेज ज्यादा होता है और प्रातः काल के सूर्य में तेज कम होता है। तेज तो उतना ही होता है। संसार तक प्रातः काल के सूर्य का प्रकाश अपने मूल रूप में नहीं पहुंच पाता, उतनी तेजस्विता के साथ नहीं पहुंचता जितना कि दोपहर को पहुंचता, क्योंकि उसमें सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं तो पृथ्वी तक उसका प्रकाश पूर्ण रूप से तेजस्विता के रूप में नहीं पहुंच पाता है। उसी तरह से परब्रह्म की हलादनी शक्ति श्यामा जी ने दो तनों को धारण किया। पहले तन जिसको देवचंद जी का तन कहते हैं, उस तन में तारतम ज्ञान का अवतरण हुआ। ब्रजरास और धाम की शुद्धति पर जागने की सुधना है। अखंड ब्रजरास का वर्णन किया और परमधाम के 25 पक्षों का वर्णन किया, अष्ट पर्व के लीला का भी वर्णन किया, लेकिन एक कमी सी रह गई थी क्योंकि उस तन से वो लीला अभी संपादित नहीं हो पाई। वह क्या है? जैसे आपने देखा होगा कि विजयाभिनंद बुद्ध निष्कलंक स्वरूप को जिस घोड़े पर बैठाया दिखाया गया है या अन्य धर्म ग्रंथों में भी साक्षी मिलती है, तो उसमें घोड़े को एक पैर पर खड़े हुए दिखाया गया, तीन पैर जमीन पर है, एक पैर ऊंचा उठा हुआ है, जमीन पर नहीं है। इसका अर्थ क्या है? ऋग्वेद में ज्ञान है, यजुर्वेद में कर्म का वर्णन किया गया है कि मनुष्य को कैसे कर्म करना चाहिए ज्ञान को आधार बनाकर। सामवेद में उपासना कांड है, ज्ञान कर्म और उपासना से परे जो चौथा वेद है वो अथर्ववेद है। अथर्ववेद की तो व्याख्याएं होती रही हैं, 9 शाखाएं हैं इसकी, लेकिन उसकी जो जिसको अथर्व का अर्थ होता है जिसमें कंपन न हो, अर्थात विज्ञान कांड। ऋग्वेद में जिस ज्ञान का वर्णन है उससे भी परे विज्ञान कांड जिसको परम सत्य कहते हैं, ऋत कहते हैं, और वो कहाँ से मिलेगा? जिसको कतिब की भाषा में मार्फत कहते हैं। वह भेद अभी स्पष्ट नहीं हो पाया था। कैसे? मैं आपको एक दृष्टांत देता हूँ। अथर्ववेद की मुंडक शाखा है मुंडक उपनिषद, उसी से प्रकट हुआ है। मुंडक उपनिषद में एक बात कही गई है, हिरण्य परे कोशे बीजम निष्कलम तत् सुब्रह्म साम ज्योति यत् आत्मविदोऽभिधः। हिरण्य कोश में ब्रह्म विराजमान है, बस मुंडक उपनिषद के ऋषि को इतना ही मालूम है। केन उपनिषद में केन सूक्त है अथर्ववेद का, और उसमें एक विशिष्ट मंत्र है, तस्मिन् हिरण्ये कोशे त्रैरे त्रिप्रतिष्ठे तस्मिन् यत् इच्छम आत्मो तत्वे ब्रह्मविदोऽभिधः। उस हिरण्य कोश में तीन अरे त्रि में प्रतिष्ठित है। अब
सदगुरु धनसिंह चंद जी ने भी बता दिया कि चिदघन स्वरूप श्री राज जी हैं, उनके सतंग अक्षर ब्रह्म है, आनंद श्यामा जी है। इस मंत्र का भावार्थ क्या होता है? सतचित आनंद के त्रैत में राजी श्यामा जी अक्षर ब्रह्म विराजमान है। ये तो हो गया हकीकत का ज्ञान, लेकिन मारिफत क्या कहता है? मारिफत में यही बताया गया है कि जो चिदघन स्वरूप है सभी रूपों में वही क्रीड़ा कर रहा है। जब हम अलग अलग देखते हैं कि राज्य के अंग हैं श्यामा जी, राज्य के सतंग हैं अक्षर ब्रह्म, तो ये हो गया हकीकत। जब हम ऐसी दृष्टि कर ले कि सत्ता तीनों सचित आनंद के स्वरूप में है, जैसे पूरा परम धाम सच्चिदानंदमय है, तो प्रश्न ये खड़ा होता है कि स्वलीला द्वैत सच्चिदानंद परम धाम में अक्षर ब्रह्म का जो स्वरूप है क्या वो इसके और आनंद से रहित है? केवल सत ही सत है? यदि वो सत ही सत है तो सच्चिदानंद के स्वरूप में तो ये विकार माना जाएगा। इस रहस्य को खिलवत परिक्रमा सागर श्रृंगार, जिसको तारतम का तारतम कहते हैं, जो श्री महामति जी के स्वरूप में अवतरित होती है, उसको कहते हैं पूर्ण मार्फत का स्वरूप। यदि हम उस दृश्य से देखते हैं तो क्या लगेगा? लीला रूप है में अक्षर अक्षरातीत दो हैं, इत और न दूजा कोई, स्वरूप एक है लीला रूप। सो एक ही स्वरूप है, लीला रूप में केवल भाषित हो रहा है कि वो सतंग है, क्योंकि इस मानवीय बुद्धि से हमें समझ में नहीं आ सकता। जैसे एक ही व्यक्ति का चेहरा कभी मुस्कुराता है और कभी उग्र हो उठता है, व्यक्ति तो एक है, स्वभाव उसके अलग अलग होते हैं, चेहरा नहीं बदलता। उसी तरह से अक्षर अक्षर अतीत का स्वरूप एक है, संपूर्ण परम धाम स्वलीला अद्वैत सच्चिदानंदमयी है। तो जो ये मार्फत की जो बात है ये केवल दूसरे स्वरूप में अवतरित होती है, जिसको हम प्राणा जी का स्वरूप कहते हैं, इसलिए उनको निष्कलंक स्वरूप कहते हैं। विजय अवनंद बुद्ध जी और निष्कलंक अवतार वेदों का आखिर जमाने ए सीधा, तो ये दो स्वरूप प्रकट होते हैं। तो विजय अवनंद का अर्थ होता है सदगुरु धनसिंह चंद जी, और विजय अवनंद बुद्ध निष्कलंक स्वरूप का अर्थ होता है श्री प्राणा जी। एक और बात ध्यान देने योग्य है, वेद पक्ष में जितने ऋषि मुनि योगी यति सब आते हैं, वो वेद पक्ष के सारे रहस्यों को उजागर करते हैं। कतय पक्ष में जो नबी पैगंबर आते हैं वे कतय पक्ष के सारे रहस्यों को उजागर करते हैं। वेद पक्ष वाले कतय पक्ष को नहीं जानते, कतय पक्ष वाले वेद पक्ष को नहीं जानते, किंतु श्री प्राणा जी का स्वरूप ऐसा है जिसमें वेद कतय की दोनों धाराओं को समाहित किया गया है और दोनों के गुहितम भेदों को तारतम वाणी के प्रकाश में स्पष्ट किया गया है। ये रसना श्यामा जी की पिलावत रसरप, ये श्यामा जी की रसना पूरी वाणी है। श्यामा जी ही दूसरे तन में प्राणा जी के स्वरूप में लीला कर रही है। ये इलमले रुअल्ला है खोल मैंने इमाम का लाया, तो कतेब के रहस्यों को भी राज्य का आवेश ही खोल रहा है, वेद पक्ष के रहस्यों को भी राज्य का ही स्वरूप खोल रहा है। श्यामा जी का हृदय जो है रसना के रूप में वाणी के रहस्यों को प्रकट कर रहा है, लेकिन हम बाह्य दृश्य देखते हैं तो लगता है कि श्री देवीचंद जी का तन अलग है, श्री मिहराज का तन अलग है, दोनों तनों में राज्य ही स्वरूप का स्वरूप आवेश स्वरूप लीला कर रहा है। एक में श्यामा जी की आत्मा है, एक में महा इंद्रावती की आत्मा है। प्राण संहिता में कहा है कि सहायम इंद्राया लब्ध्वा कार्यम करिष्यति, अर्थात श्यामा जी की आत्मा जो है इंद्रावती आत्मा के तन में जागने की पूर्ण लीला करेगी। तो ये जो दूसरा स्वरूप है जिसमें वेद कतेब दोनों धाराओं का रस स्पष्ट होता है और अथर्ववेद के गुहितम रस जिसके लिए वाणी कहती है अवतार जो ने कलंको सो अश्व धूरो रहे पुरुष देखियो ने नैनो तुरी को कलंकित कही। कल के का अर्थ होता है घोड़ा, कल के रूपो अश्व ईश्वरस्य परात्परम। आज पौराणिक जगत इस बात की प्रतीक्षा कर रहा है कि कलयुग का अंतिम चरण जब आएगा तो कल के अवतार प्रकट होंगे और वे तलवार से यवनों का वध करेंगे, धर्म की स्थापना करेंगे। तो ये सारे कथन अलंकारिक हैं,
कल्कि कहते हैं घोड़े को, और तलवार से यमुनों को असुरों का वध करने का तात्पर्य क्या है? ज्ञान की तलवार होगी जिससे सभी अज्ञानता के अंधकार में डूबे हुए तमोगुणी प्राणियों को भी एक सत्य परब्रह्म की राह दिखाएंगे। ये उसका मूल आशय है। तो जागृत बुद्धि रूपी घोड़े पर जो सवार होगा, कल्कि कहते हैं घोड़े को, उस घोड़े पर सवार जो पुरुष है, पुरुष देखियो ने नैने तुरी को कलंकित हो गई। तो संसार ने उस पुरुष को तो नहीं देखा, केवल घोड़े का वर्णन किया जा रहा है। तो जागृत बुद्धि का जो स्वरूप प्रकट होता है उसी को कल्कि अवतार कहते हैं। जैसे एक चौपाई आती है परिक्रमा में, इति दिन त्रैलोक में होते बुद्ध सुपन, सो बुद्ध जी बुद्ध जागृत ले प्रकटे पूरे नवतन। जागृत बुद्धि का स्वरूप प्रकट होता है सतगुरु धनी श्री देवचंद जी के अंदर। उनमें श्यामा जी की आत्मा है, तन है श्री देवचंद जी का। जब जागृत बुद्धि उस तन में प्रवेश करती है तो पाताल से लेकर परम धाम तक अखंड ब्रजराज सहित सारा ज्ञान अवतरित होता है। और इस स्वरूप को क्या कहते हैं? विजयाभिनंद बुद्ध स्वरूप, अर्थात विजय इनका अभिनंदन करती है। लेकिन जब दूसरे स्वरूप में अर्थात प्राणनाथ के स्वरूप में लीला होती है तो उसको क्या कहेंगे? विजया अभिनंद बुद्ध निष्कलंक स्वरूप। अब प्रश्न यह होता है कि अवतारों की जो बात कही जाती है कि परमात्मा का तो अवतार होता नहीं, ये सच है। अवतार महापुरुषों का ही होता है तो इसको साथ अवतार क्यों कहा गया है? ऐसे बोलचाल की भाषा में अवतार शब्द कह दिया गया है, लेकिन अवतार सभी विष्णु के अवतार होते हैं। वाणी में कहा गया कि वैकुंठ से आवे जाए, 24 अवतार विष्णु के होते हैं, सच्चिदानंद परब्रह्म का अवतार नहीं होता। अवतार का तात्पर्य क्या है? अवतरित होना, सामान्य मानव से विशिष्ट या महामानव से भी विशिष्ट किसी दिव्य शक्ति का अवतरण जिसे संसार का कल्याण हो उसको अवतार कहते हैं। तो पौराणिक जगत में 24 अवतारों की कल्पना की गई है जिसमें मात्र श्री कृष्ण को ही पूर्ण अवतार की संज्ञा दी गई है। अब जो किसी को 4 कला, किसी को 8 कला, किसी को 10 कला, किसी को 12 कला, किसी को 16 कला संपन्न कहा गया। 16 कलाओं के संबंध में मुंडक उपनिषद में विस्तार से दिया गया है। वे कलाएं हैं, मैं उसके उपनिषद के कथन को उद्धृत कर देता हूँ। सह प्राण असृजत प्राणात् सदा खम वायु ज्योति अग्नि आपा दम्य पृथ्वी तपो मंत्रा कर्म लोकेश नाम च अन्न च। ये सब 16 कलाएं होती हैं, और जो इन सभी जितने ये शब्द बताए गए प्राण श्रद्धा पंचभूत ये श्रद्धा, इन सब में जो निष्णात होता है, ज्ञान के अंतिम छोर तक पहुंचा होता है, उसको उतनी कला से संपन्न कहा गया है। श्री कृष्ण को 16 कला संपन्न इसलिए कहते हैं क्योंकि इन सभी जो 16 शब्द बताए गए हैं तप मंत्र कर्म लोक नाम, ये सब में निष्णात थे। अन्य जो अवतार हुए, रामा अवतार, परशुराम अवतार या कच्छप, जिन अवतारों की पौराणिक दृश्य मान्यता की गई है उनमें इन चीज़ों की कहीं ना कहीं न्यूनता रही, इसलिए किसी को कुछ कला से संपन्न कहा गया, किसी से कुछ कला संपन्न कहा गया, इसी को 16 कला संपन्न पुरुष कहा गया है। जो जागृत बुद्धि है वो तो अखंड अक्षर ब्रह्म की जागृत बुद्धि है, इसलिए उसके अवतार को भी वास्तविक रूप से अवतार नहीं कहा जाता। अवतार 24 विष्णु के बैकुंठ थे आवे जाए, कलश हिंदुस्तानी में चौपाई आती है। लेकिन जब एक परंपरा चल गई, पुराणों में बार बार बुद्ध अवतार कहा गया है। बुद्ध और कल्कि दो शब्द हैं, तो बुद्ध शब्द से प्राय लोग यही समझते हैं कि गौतम बुद्ध का वर्णन है, लेकिन ऐसा नहीं है। एक बार बुद्ध के शिष्य ने पूछा था कि भगवान क्या आपसे भी कोई बड़ा ज्ञानी संसार में है? कहा कि देखो, मेरे बाद जो बुद्ध आने वाले हैं मुझसे भी ज्ञानवान होंगे, और जो उनके ज्ञान को ग्रहण कर लेगा वो अखंड मुक्ति को प्राप्त होगा। तो ये जो गौतम बुद्ध का जो प्रसंग है, जिन्होंने शून्यवाद की स्थापना की, और उस शून्यवाद को न समझने के कारण जो गौतम बुद्ध ने मौन धारण कर लिया परमात्मा के अस्तित्व के संबंध में, उनके अनुयायियों का लगभग एक बहुत बड़ा वर्ग, क्या लगभग सभी आज बुद्धिस्ट परमात्मा की सत्ता को मानने से अस्वीकार करते हैं। वो मानते ही नहीं कि परमात्मा नाम की कोई वस्तु है। शून्य जैसे जड़ पदार्थ को ही चेतन के रूप में मानने लगते हैं, जड़ और चेतन को पृथक दो वस्तु नहीं मानते। तो यह भ्रांति
गौतम बुद्ध के दिए गए शून्यवाद के क्षणिकवाद के ज्ञान से हो गई है। लेकिन जो जागृत जिस अवतार के प्रकट होने की बात कही गई वो बुद्ध और कल्कि है। दो स्वरूपों का इसमें वर्णन किया गया, सुखी अवतार सब कहया पर बुद्ध में रहे ऊंचा है। जो आखिर में कलयुग के जिसको आखिर का अंत कहते हैं आप समझिए, इसमें कुछ विवादास्पद तथ्य हैं। एक वर्ग कहता है कि पौराणिक विचारधारा के अनुसार जैसे कल्कि पुराण में भागवत में कहा गया है कि उड़ीसा का जो संबलपुर ग्राम है, कोई कहता है कि वहाँ प्रकट होंगे, कोई मुरादाबाद में संबल ग्राम है वहाँ कल्कि अवतार प्रकट होंगे, दोनों जगह संबल ग्राम है और दोनों में प्रकट होने की बात कही गई। अब प्रश्न यह है कि कहाँ की बात मानी जाए, सच क्या है? इसके लिए हमें पुराण संहिता के पन्ने पलटने होंगे। पुराण संहिता में एक विशेष बात कही गई है कि गुजरात में परम धाम की 4000 ब्रह्मात्माएं प्रकट होंगी और द्वारिका और सौराष्ट्र कुछ और भागों में मिलाकर जो आज पूरा गुजरात है, एक जगह 500 का वर्णन है, एक जगह 1000 के लगभग 300 का, तो 5300 आत्माएं वर्तमान गुजरात में ही अवतरित होनी है। 31वें अध्याय में ये वर्णन दिया है तो स्पष्ट होता है। और उसी अध्याय में एक बहुत बड़ी बात कही गई है, 16 श्लोकों को बनाने पर जो श्लोक बनता है वह श्लोक है, सुंदरी चैंद्रा नमाभ्याम चंद्र सूर्यो माया अंधकार विनाशाय प्रतिबुद्धि वस्तु कलयुगे। तो जो दो तन प्रकट होंगे उसमें एक का नाम चंद्र से जुड़ा होगा, एक का नाम सूर्य से जुड़ा होगा। सुंदरी चैंद्रा नमाभ्याम चंद्र सूर्यो, परम धाम के जो दो आत्माएं एक जो नाम धारण करेगी उसमें एक का नाम होगा चंद्र, एक का नाम होगा सूर्य, उसमें शब्द जुड़ा होगा। तो निर्विवाद सत्य है कि एक का तन देवचंद्र होगा, एक का नाम मिहिरा, मिहिर का अर्थ सूर्य होता है। दूसरी बात जो कही गई है कि कलयुग का प्रथम चरण ही उसका अंतिम चरण होगा। इसी अध्याय में वह महत्वपूर्ण श्लोक है कि स्वरोचिस आद मनवंतरों के बीत जाने पर जो सातवां जो वैवस्वत मनवंतर आएगा उसमें कलौ तत् चरण आदमे मनोरथ अवशेष्य भोगम अपसंत दोष है, कि कलयुग का जो प्रथम चरण होगा वही उसका अंतिम चरण होगा, क्योंकि पापों के कारण कलयुग की आग समाप्त हो जाएगी। तो कलयुग के प्रारंभ में ही प्रकट होना है। पौराणिक बंधु ये सोचते हैं कि अभी तो केवल 5000 ही वर्ष हुए हैं, अभी तो बहुत समय है, तो ये ऐसा नहीं है। कलयुग का प्रथम चरण ही उसका अंतिम चरण होने वाला है, क्योंकि श्लोक में कलौ तत् चरण आदि में प्रथम चरण में ही ब्रह्मात्माओं का प्रकटन होना है। क्योंकि अब ग्रहण लगे 3412 कबीर जी की वाणी में कहा गया है, प्रत्येक ग्रहण में 125 उम्र की कलयुग की कम हो जाती है पाप के कारण, 3412 जो ग्रहण लगने हैं तो कलयुग की उम्र में केवल 5000 वर्ष ही लगभग बचते हैं, आप सोच सकते हैं। तो विक्रम संवत 1735 तक ये भी लगभग समाप्ति की तरफ ये संसार चल गया था, राज्य की कृपा से खेल को बढ़ा दिया गया है। तो मुख्य बात यह है कि जो कल्कि पुराण में या भागवत में जो बातें लिखी गई हैं, पुराण में तो कोई भी बात कई चीज़ें जोड़ दी जाती हैं, भागवत कोई ब्रह्मवाणी नहीं है कि सारी बातें उसको आँख मूंद करके मान लिया जाए, क्योंकि कुछ माहेश्वर तंत्र के प्रतियों में एक श्लोक आता है, कुछ में मिलता है संभवतः किसी में नहीं मिलता, कि तासाम एका सुंदरी परमा सुभगा प्रिया, कि ब्रह्मात्माओं में जो सुंदरी प्रिया होगी मरुदेश सानिरूपम दरिश्य, मरुदेश में प्रकट होगी। तो मरुदेश न तो भारत में है और न उड़ीसा में है, इसका तात्पर्य क्या, उमरकोट की तरफ संकेत किया गया है कि मरुदेश में श्यामा जी की आत्मा प्रकट होगी और उसका नाम देवचंद्र होगा। तो ये पुराण संहिता महेश्वर तंत्र ज्यादा मान्य ग्रंथ है, क्योंकि इसमें 6 अक्षर से परे अक्षर अतीत का वर्णन किया गया है। कल्कि पुराण में कई विसंगतियां हैं, इसी तरह से भागवत में भी देखा जाए तो वेद विरुद्ध कई मान्यताएं भी हैं। ऐसे भागवत पुराण हिंदुओं के लिए बहुत प्रिय ग्रंथ है, उसमें अखंड ब्रजराज का भी सांकेतिक वर्णन है। किंतु जहाँ तथ्यों की बात आती है कि जो विष्णु जैसे ब्राह्मण के घर प्रकट होंगे, उनका दो विवाह होगा, तो ये सभी बैसों मान्यताओं के आधार पर ये सारी बातें कही गई, तलवार लेकर असुओं का वध करेंगे। सत्य है
कि पुराण संहिता में जो कहा गया कि अगाध अज्ञान जलतो पतितास प्रयास्य स्वयं कृपा मदो मवज पुरुषोत्तम है, सच्चिदानंद परब्रह्म स्वयं प्रकट होगी। इसमें कहीं नहीं लिखा है कि विष्णु भगवान प्रकट होंगे। पुराण संहिता महेश्वर तंत्र में स्पष्ट है कि सच्चिदानंद परब्रह्म जिन्होंने ब्रजराज में बृहत साधा स्वीकृता शिव संहिता में भी यही बात दर्शाई गई है कि आनंद रूपा या सखो ब्रजे वृंदावन स्थित कला पुनः प्रादुर्भविष्यन्ति पुनः यास्यन्ति तत्पदम्। कलयुग में वे परमात्माएं प्रकट होंगे, उनके साथ परब्रह्म प्रकट होंगे। आगे कहा गया चिद आवेशवती बुद्धि अक्षर से महात्मा प्रबोधाय प्रियाणाम भविष्य भारतीय चिर। अक्षर ब्रह्म की जागृत बुद्धि प्रकट होगी, तो अक्षर ब्रह्म की जो जागृत बुद्धि का प्रकटन है वही बुद्ध होता है। और उसको विजयावनंद क्यों कहते हैं? क्योंकि श्यामा जी की आत्मा है, श्यामा जी की आत्मा उस तन के साथ वो जागृत बुद्धि की लीला होती है, जिसके लिए वाणी में कहा कि मेरी संगति ऐसे सुधरी बुद्ध बड़ी हुई अक्षर तार्थ में सब शुद्ध परी लीला अंदर के घर कि मेरे हृदय चरण धनी के इन्हें पल पाया। अक्षरातीत के चरण कमल विराजमान है महामती जी के धाम हृदय में, जागृत बुद्धि उस तन में विराजमान होती है। तो परब्रह्म के चरणों की कृपा से जो नहीं विष्णु महाविष्णु को बुद्धि पहुंचे थे मेरे हृदय चरण धनी के इन्हें फल पाया। जागृत बुद्धि को भी परम धाम का ज्ञान मिलता है केवल अक्षरातीत के चरणों की कृपा से। इससे बुद्धावतार का तात्पर्य जागृत बुद्धि का अवतार, लेकिन जब विजयाभिनंद बुद्धावतार कहते हैं तो इसका तात्पर्य है सदगुरु धनुषदेव जी, और जब विजयाभिनंद बुद्ध निष्कलंक अवतार कहते हैं तो इसका तात्पर्य यह है कि श्री प्राणनाथ जी। लेकिन अवतार शब्द नहीं कहना चाहिए, स्वरूप कहना चाहिए। विजयाभिनंद बुद्ध स्वरूप सदगुरु धनुषदेव जी, विजयाभिनंद बुद्ध निष्कलंक स्वरूप श्री प्राणनाथ जी। ऐसे तो आजकल कलयुग का प्रभाव ऐसा है कि काफी लोग ये सोचते हैं, चमत्कार कुछ दिखा देते हैं, कई कुछ इधर उधर के ग्रंथों को पढ़कर अपने को विजयाभिनंद बुद्ध निष्कलंक अवतार कहने लगते हैं, और इसे हिंदू समाज काफी धोखे में रहा है। क्योंकि इसमें कई अपराधी भी ऐसे हो गए जिन्होंने पुराणों के इस कथन को लेकर स्वयं को विजयाभिनंद बुद्ध निष्कलंक स्वरूप घोषित कर दिया, और विजयाभिनंद बुद्ध निष्कलंक अवतार कोई इमाम मेहदी बता बता कर मुस्लिम लोगों ने भी काफी हिंदुओं का धर्मांतरण भी किया है। तो जो कुछ कहया कदेव ने सोई कहया वेद, दो बंदे एक साहिब के पर लड़त बिन पाए वेद। तो स्वार्थी लोग चाहे हिंदू पक्ष के हों चाहे कत्ते पक्ष के हों, सब ने इस सिद्धांत से काफी कुछ अपना व्यक्तिगत लाभ उठाया है। मेरे कहने का से क्या है कि जो हिंदू धर्म ग्रंथों में जिनको विजयाभिनंद बुद्ध निष्कलंक स्वरूप कहा गया है, कत्ते पक्ष में अखरुल इमाम वो मदी हैं, लेकिन ये स्वरूप इतना विवादों के घेरे में आ गया स्वार्थी लोगों के द्वारा कि अतीत में बहुत से मत ऐसे हुए हैं जिसमें हिंदुओं को बका करके इस्लाम के अंदर भी लाया गया, और स्वयं हिंदुओं में ऐसे 100 से भी अधिक व्यक्ति हुए हैं जिन्होंने स्वयं को बुद्ध अवतार कहा है। तो सच ये है जो पुराण संहिता महेश्वर तंत्र में लिखा है, पुराण संहिता की गणना तो आर्य समाज के बहुत बड़े जो विद्वान इतिहास लेखक हुए हैं उन्होंने भी पुराण संहिता को काफी मान्यता दी है, और उन्होंने कहा है कि ये पुराण संहिता उच्च स्तर के ग्रंथों में मानी जाती है। जो नारद पंचरात के अंतर्गत महेश्वर तंत्र है इसमें सभी ग्रंथों से परे एक अक्षर अक्षरातीत का वर्णन है। पुराण संहिता और महेश्वर तंत्र के कथनों में काफी समानता है, तो यह धारणा भी पाली जाती है कि यह निजान संप्रदाय के विद्वानों ने लिखा है, लेकिन ऐसा नहीं है। आचार्य भगवत जी जो आर्य समाज के विद्वान हैं उन्होंने पुराण संहिता को पूरी मान्यता दी है। यह सत्य है कि उन्होंने महेश्वर तंत्र का कोई वर्णन नहीं किया है, किंतु महेश्वर तंत्र जो नारद पंचरात से लिखा है संपूर्ण प्रवाही जगत पौराणिक जगत उसको मानता है, और जो संबल ग्राम में प्रकट होने की बात है वो केवल भागवत में है, कल के पुराण में है। भविष्योत्तर पुराण में जो बात कही गई है कि विक्रमस्य गते अब्दे सप्त दश अष्टत्रिकम यदा तया एम सच्चिदानंदो अक्षरात् परतः परम भारते चैन्द्र एम सबुद्ध आविर्भविष्यत् सबुद्ध कल्क रूपेण छात्र धर्मेण तत्पर चित्रकूटी बने रम्य स वै विजयाभिनंदो भवेत्। अर्थात विजयाभिनंद बुद्ध निष्कलंक स्वरूप कब प्रकट होंगे? जब औरंगजेब का राज्य होगा। और कहाँ प्रकट होंगे?
तो बुंदेलखंड के अंदर पद्मावती केंद्र सरदे विंध्य पृष्ठ विराजता। इतने प्रमाणों से सिद्ध है कि जो संभल ग्राम की जो बात कही गई है, किसी प्रांत का तो नाम नहीं लिखा है कि इस प्रांत में होंगे। हाँ, वर्तमान में किसी ने अपने गांव का नाम लिख लिया कि वो मुरादाबाद में पड़ता है या उड़ीसा में पड़ता है, तो अपनी अपनी मान्यता के अनुसार स्थानों के तो नाम रखे जा सकते हैं। लेकिन जो विष्णु सब ब्राह्मण के घर कुंवारी कन्या से उत्पन्न होने का कथन है, ये अलंकारिक वर्णन तो माना जा सकता है कि कुंवारी कन्या की संतान तो हो ही नहीं सकती नैतिक रूप से देखा जाए तो, क्योंकि यदि प्रकृति के नियमों के अनुसार देखा जाए तो बिना पति के तो संतान का होना संभव नहीं। जब वो कन्या कुमारी है तो बिना विवाह के उसका पति कहाँ ऐसे आएगा। लेकिन कहा गया कि उसके तन से विजयानंद प्रकट होंगे। इसका आशय क्या है कि आत्मा का जन्म नहीं होता, जन्म शरीर का होता है और जीव शरीर को धारण करता है, आत्मा दृष्टा रूप होकर के उस पर खेल को देखती है। इसलिए जिस तरह से कुंवारी कन्या का बिना पति के पुत्र जन्म करने की क्षमता नहीं हो सकती, उसी प्रकार से परम धाम की आत्मा का जन्म नहीं हो सकता, अर्थात परम धाम की आत्मा जीव पर बैठकर खेल को देखेगी। ये सूक्ष्म अर्थ लगाया जा सकता है। लेकिन विष्णु से ब्राह्मण का ही परिवार होगा, उनके चार भाई होंगे, दो दो विवाह होगा, ये अपनी मान्यताओं पर ये दलीलें दी जाती हैं और एक मेरी दृष्टि में इसको कल्पना ही कर सकते हैं। जो पुराण संहिता महेश्वर तंत्र या भविष्योत्तर पुराण का कथन है वही ज्यादा सुसंगत है और वही मान्य होना चाहिए। अब हमें यह ध्यान रखना होगा कि सच्चिदानंद परब्रह्म का अवतार नहीं हुआ करता। सच्चिदानंद परब्रह्म कभी भी सृष्टि में अवतार के रूप में नहीं आए, ब्रजराज में उनका अवेश रूप प्रकट होता है। आप देखेंगे कि कुमारिका सखियाँ छोटी कन्याएं थी और ब्रह्मात्मा ने युवा कन्याओं पर प्रवेश किया था, उनकी आत्मा ने हम उपजे ब्रज वधु जन, ब्रज की वधुओं के अंदर परम धाम की आत्माओं ने प्रवेश किया। श्री मेहराज के तन में भी आवेश रूप 40 साल की अवस्था 37 लगभग 40 साल की अवस्था में उनके तन में भी विराजमान होते हैं। वैसे तो सूक्ष्म रूप से मार्फत गिरि से सभी परमात्माओं के साथ राज्य हैं। श्री देवचंद जी के अंतर्धान के पश्चात मेहराज के तन में 1712 में अर्थात लगभग 37 वर्ष की अवस्था में ही राज्य विराजमान हो चुके थे, लेकिन महामती जी की आत्मा को इसका आभास नहीं था। पूर्ण रूप से जब आवेश लीला प्रकट होती है तो वो 40 वर्ष की अवस्था से। इसलिए इस तथ्य को कहा जा सकता है कि कुंवारी कन्या से प्रकट होना, अर्थात जैसे मैंने अभी कहा कि कुंवारी कन्या कैसे गर्भ को जन्म दे सकती है, तो शास्त्रीय पद्धति के अनुसार बिना पति को पति तो धारण कर नहीं सकती, बिना पति के पुत्र कहाँ की उत्पत्ति कहाँ से करेगी। इसलिए यही अलंकारिक वर्णन समझना चाहिए कि राज्य का आवेश स्वरूप यदि किसी तन में जब विराजमान होता है, जब उसके उसकी उम्र जो है 40 वर्ष के लगभग हो गई हो, क्योंकि उस समय शरीर निर्विकार अवस्था में आ जाता है प्रायः, तो चाहे देवचंद जी को 40 वर्ष की अवस्था में राज्य ने दर्शन दिया, उसके पहले भी दर्शन दे चुके थे लेकिन लीला नहीं होती थी। सतगुरु धनी सिंह देवचंद जी के तन से लीला कब होती है, जब राज्य ने कहा कि अंदर तुम्हारे आकार के आके बैठे हो। बैठे तो पहले भी थे लेकिन वो मार्फत की दृष्टि से, हकीकत की दृष्टि से नहीं। जब हकीकत में अर्थात व्यवहारिक रूप में जब लीला प्रारंभ होती है तो ये कहते हैं आवेश स्वरूप का विराजमान होना और उस तन से उसको पूर्ण ब्रह्म का स्वरूप माना जाता है, और इसको कहते हैं कुंवारी कन्या के गर्भ से प्रकट होना। इसको सूक्ष्म अर्थों में लेना चाहिए। हम यदि शब्दार्थ करेंगे और एक धारणा पकड़ कर बैठ जाएंगे कि मुरादाबाद में प्रकट होंगे, संभल ग्राम में प्रकट होंगे, दूसरा पक्ष कहेगा कि नहीं उड़ीसा के संभल ग्राम में प्रकट होंगे, तो ये केवल विवादों का विषय बना रहेगा। सत्य की खोज के लिए हमें पुराण संहिता महेश्वर तंत्र और भविष्योत्तर पुराण की तरफ मुड़ना चाहिए, कबीर जी के उन वचनों को देखना चाहिए कि 5500 वर्ष के अंदर ही सारा कुछ प्रकट होना है, और भागवत के चिंतन मनन करने वाले तो समझते हैं कि जब 4,00,000 वर्ष लगभग बीत जाएंगे तब कलयुग का अंतिम चरण होगा और तब विजयानंद बुद्ध निष्कलंक प्रकट होंगे। तो आप सोचिए कितना पाप हो रहा है वर्तमान समय में, औरंगजेब के समय में कितना पाप हुआ। तो ऐसी स्थिति में हम नहीं कह सकते कि
इससे भी बड़ा कुछ पाप हो सकता है। जब सारी मानवता करा रही थी, खून की नदियां बह रही थी, उस समय आओ रे बेगिने पधारो रे बुद्ध जी, या पुकार कहे श्री महामत। औरंगजेब के समय में जब सारी मानवता खून के आंसू बहा रही थी, उस समय विजयानंद बुद्ध ने सर्वंग स्वरूप का प्रकटन होता है, जो विक्रम संवत 1735 का समय होता है, शक संवत 1600 का समय होता है। और उसी को कहा गया कि शालिवान सका तुगत सोडस कम सतम जीव उतारे ब्रह्मांड कल्कि प्रादुर्भवेत्। कल के अवतार शास्त्रों में कहा गया है, कल्कि का अवतार घोड़े से है, घोड़े का मतलब जागृत बुद्धि का घोड़ा, जिस पर विराजमान सवार के रूप में पूर्ण ब्रह्म का आवेश रूप विराजमान होता है, जो दो तनों में लीला करता है। एक को विजयानंद कहेंगे, दूसरे को विजयानंद बुद्ध निष्कलंक स्वरूप कहेंगे। निष्कलंक स्वरूप जिसमें वेद कतेब की दोनों धाराएं समाहित हुए और जो अथर्ववेद के गुहितम रहस्य को जानता हो। एक तो गुही रहस्य होता है, एक गुह से भी गुह अर्थात सूक्ष्म से भी सूक्ष्मतम। मैंने आपको अभी उदाहरण दे करके समझाया था कि तस्मिन हिरोड़े कौशे त्रैरे त्रि प्रतिष्ठे तस्मिन यद अक्षम आत्मान व तत्व ब्रह्म दो बुद्धो। सच्चित आनंद के त्रैत में तीन अरे हैं। तीन अरे कौन से हैं? राज्जी श्यामाजी और अक्षर ब्रह्म। उसमें जो पूजनीय तत्व कौन है ये बताएगा केवल तारतम्बाणी का प्रकाश, जो महामती जी के तन से उत्तरित होता है। इसलिए अथर्ववेद के भी गुहितम रहस्यों को प्राणनाथ जी की वाणी प्रकट करती है। सदगुरु धनिष्ठ देवचंद जी से अभी लीला में केवल गुही रहस्य तो प्रकट किए गए, क्योंकि परम धाम का ज्ञान जो अवतरित हुआ श्री देवचंद जी के द्वारा, उससे भी कुरान के ये वेद अथर्ववेद के रहस्य खुल सकते थे, लेकिन गुह्य भेद ही खुल सके थे, क्योंकि सुंदर साध को तो अभी निस्बत की भी पहचान नहीं थी। इसलिए श्री देवचंद जी के तन त्याग के बाद सबने मान लिया था कि हमारे राज्य चले गए। निस्बत के संबंध की पहचान होती तो कोई भी सुंदर साध इस भ्रांति में नहीं रहता। इसलिए सारा ज्ञान अवतरित होता है तारतम्बाणी के रूप में श्री महामती जी के तन से, जिसको हम कहते हैं विजयानंद बुद्ध निष्कलंक स्वरूप। अवतार कहने का प्रचलन चल पड़ा है, लेकिन वास्तव में ये अवतार नहीं है, ये राज्य का अखंड स्वरूप है, जिसको हम तारतम्बाणी की भाषा में प्रेम से कहते हैं कि आओ रे पधारो रे बुद्ध जी, या समय पुकार कहे श्री महामत। मैं आशा करता हूँ कि सुंदर साथ विजयानंद बुद्ध और विजयानंद बुद्ध निष्कलंक स्वरूप की बारीकियों को समझेंगे, और सारे समाज के लिए एक सुनाला अवसर है कि वो विजयानंद बुद्ध निष्कलंक स्वरूप के रूप में प्रकट हुए श्री प्राणनाथ जी के स्वरूप की पहचान करें, और सारे संसार को एक पर उस परम सत्य का संदेश दे जिसके लिए संसार तरस रहा था। आज सारा संसार सांप्रदायिक आग में झुलसने के लिए तैयार बैठा है। जो क्रिश्चियनिटी को मानते हैं वो सोचते हैं कि सारी दुनिया क्रिश्चियन बन जाए, मुस्लिम प्रचारक सोचते हैं कि सारी दुनिया को इस्लाम में परिवर्तित कर दें, हिंदू तो अनेक संप्रदायों में बटा पड़ा है, वो इस तरफ कभी सोचता ही नहीं है कि हमारे वेदों में क्या कहा गया है, उपनिषद दर्शन शास्त्रों में क्या कहा गया है। हमारा उत्तरदायित्व होता है कि तारतम्बाणी के प्रकाश में हम सारे संसार को सत्य की राह बताएं, सारे संसार को एक आंगन में स्थापित करें, और यह बताएं कि जिनको झगड़ों आप में धनी सबों का एक, और इसके लिए सबको कमर कसनी होगी, सबको तारतम्बाणी का प्रकाश करने के लिए अपना सर्वस्व निछावर करने के लिए सन्नद्ध होना होगा। ज्ञान की ऐसी ज्योति को जलाने वाले, उसके समाहक बनकर अपनी आहुति देने वाले भी सुंदर साध की को तैयार करना पड़ेगा, तभी यह महान लक्ष्य पूरा होगा। अभी तक जैसा राज्य की हमसे अपेक्षा थी, वो हम अब राज्य की अपेक्षाओं पर खरे नहीं उतरे हैं, क्योंकि आलस्य प्रमाद का हमने ऐसा एक पलंग ढूंढ रखा है जिस पर हम गहरी निद्रा में सोते रहे हैं 300 वर्षों से। अब भी अवसर है कि अब हम अपनी निद्रा को परित्याग करें और सत्य की ज्योति को लेकर उठें और सारे संसार को उससे आलोकित करें। मैं आशा करता हूँ कि सुंदर साथ मेरे इस निवेदन को स्वीकार करें।